हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। 203 103 दोनों ही में ही है आपका ये जो कोड है। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 24 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ भी करनी है, ठीक है। सिलेबस वही है आपका। तो न्यू अब जो न्यू टॉपिक अपलोड होंगे वो सिर्फ दिसंबर 24 के लिए नहीं है, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी हैं। भाई जो सिलेबस, भाई सारे टॉपिक तो मैंने कवर नहीं कराए हैं, जो जो रह गए हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। तो प्रीवियस वीडियो से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स भी जो है इसका समझेंगे हम साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के ही आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कितने जो रोज़ और कॉलम है, ठीक है, रोज़ बोले या हम कॉलम बोले मैट्रिक्स के अंदर, वो कितने क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, कितने क्या हैं वो स्वतंत्र हैं, रैखिक रूप से क्या हैं वो स्वतंत्र है। अभी हम जब एग्जांपल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस सिंबल से जो है इसको शो किया जाता है, आई थिंक इसे रो बोलते हैं, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, आई थिंक इसे रो ही बोलते हैं। तो इस सिंबल से इसे डिनोट किया जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। तो अगर हमारी कोई भी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, सारे रैंक, अगर उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो हैं, तो रैंक क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, रैंक ज़ीरो व्हेन ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट बिकम ज़ीरो, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट ही ज़ीरो हैं तो रैंक क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जो रैंक है मैट्रिक्स की, ठीक है, वो किसके द्वारा ऑब्टेन की जाती है, जो भाई जो उसके कॉलम है, ठीक है, जो उसका डायमेंशन होता है किसका, वेक्टर स्पेस का, जो किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं कॉलम के द्वारा, भी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो रैंक है मैट्रिक्स की वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसके नंबर ऑफ़ रो और कॉलम से, कि भाई रो मान लो 3 है, कॉलम भी 3 हैं, तो रैंक 4 नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और कोई नल मैट्रिक्स है, भाई नल मैट्रिक्स मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वहाँ भी जो रैंक होगी वो 0 होगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो हमेशा क्या होगी, या तो कम होगी या इक्वल होगी जो भी उसके रो और कॉलम है उसके सम के। जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो फुल रैंक या हम बोले फुल रैंक मैट्रिक्स होगी अगर जितनी भी उसकी रैंक है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल रैंक बोलेंगे, कि रो और इक्वल के या कॉलम के बराबर, मान लो 3 रोज़ हैं तो उसकी रैंक 3 आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, फुल रैंक बोलेंगे उसे, फुल रैंक मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले ही और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें समझा रखा है। तो जो भी दिसंबर 24 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्रीवियस वीडियोस देखिए। मैट्रिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। ये रह गया था जो जून 24 में मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो जो भी अब आगे आने वाला जो भी रह गए थे टॉपिक्स वो मैं कोशिश करूँगी दिसंबर 24 तक कम्प्लीट कर दूँ, बाकी और जो यूनिट्स हैं आपकी विद न्यूमेरिकल्स। और बात करते हैं फोर्थ इसके प्रॉपर्टी की, जो सम है दो मैट्रिक्स का ए और बी का, ठीक है, उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा या तो कम होगी या इक्वल होगी जो उनके इंडिविजुअल रैंकिंग होगी उसके। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि रैंक है जो ए प्लस बी की, ठीक है, वो क्या होगी, कम होगी रैंक अगर हम इंडिविजुअली ए की निकालें और बी की निकालें और फिर उसे प्लस करें, ठीक है, या तो इसके इक्वल आएगी या फिर उससे कम होगी, ठीक है। हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। आप देखो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, 3 हमारी रोज़ हैं, 3 ही हमारे क्या हैं कॉलम हैं, क्लियर हुआ। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको पहले हमने न्यूमेरिकल करें उसमें सिखाया भी है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, हमारी ए मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है भाई, इसको भाई ये रो कैंसिल करी तो ये हमारा क्या आ गया, 5 9 जा 45, 6 8 जा 48, ठीक है, 1 से भाई 1 के हम इसको क्या इसको लेके चल रहे हैं ना, पहले हमने ये वाली रो ली है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस आता है डिटर्मिनेंट में, फिर हमने किसे लिया है, ए 1 2 को लिया है, ठीक है, ए 1 2 एलिमेंट को लिया है, तो 2 लिखा हमने, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 4 और 9, 4 9 जा कितना होता है 36, 6 7 जा कितना होता है 42, ठीक है, ये लिख दिया। फिर हमने लिया है ए 1 3, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ए 1 3 एलिमेंट। भाई प्रीवियस वीडियोस देखोगे तभी क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस जब आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है मैंने, 4 8 जा कितना हो गया 32, माइनस 4 7 जा 35। अब बस सिंपल हमें इसे सॉल्व करना है अपना,
कितना हो गया, 45 माइनस 48 माइनस 3, 1 से इंटू हो गए तो वही आ जाना, तो माइनस 3 आ गया मल्टीप्लाई होके। 36 माइनस 42 कितना हो गया हमारा, 36 माइनस 42 कितना हो गया हमारा, माइनस 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। लेकिन अंदर भी माइनस 6 आया है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 6 टू जा 12, तो प्लस का आ गया, ठीक है। 32 माइनस 35 कितना हो गया, माइनस 3, और 3 3 जा कितना हो गया, 9। लेकिन यहाँ प्लस का साइन है और अंदर हमारा कितना है, माइनस का 3 आया है, तो 3 3 जा 9 और माइनस का साइन आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये ऑर्डर की नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो रैंक है वो किसके बराबर नहीं होगी, 3 के इक्वल नहीं होगी। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ हमारी रैंक क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 0 नहीं आना चाहिए डिटर्मिनेंट, 0 अगर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा ऑर्डर लेंगे, भाई हमने 3x3 का ऑर्डर लिया, उससे नहीं आया क्योंकि 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, 3x3। भाई हमारा जो यहाँ पे कॉलम है और जो रोज़ है, कॉलम और रोज़ कितनी है, 3x3 की, ठीक है। लेकिन हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 आ गया, तो इसकी रैंक 3 नहीं आएगी, 3 से कम आएगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ जाती, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ जाती, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ जाती, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे जो रैंक होती वो 3 होती। अब हम इसकी आगे निकालेंगे। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स ले ली बस, ठीक है। हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, बस 1 4, एक सेकेंड, 1 4 और 2 5, इसी में से लिया है हमने, 1 4 और 2 5, ठीक है। हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली इसमें से, तो 1 × 5 कितना हो गया, 1 × 5 कितना हो गया, 5, 4 × 2 8, माइनस 8 तो कितना आ गया, माइनस 3। तो माइनस 3 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो रैंक होगी वो कितनी आएगी इसकी, 2। क्लियर हुआ किस तरीके से निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जो ऑर्डर रहेगा वो रैंक नहीं आएगी, फिर हमें दूसरा आगे निकालना पड़ेगा 2x2 की। तो हमारी रैंक कितनी आ गई यहाँ पे, जो एलिमेंट ए की वो आ गई 2 आ गई, ठीक है। जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है वो 2 आ गई। आगे हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अभी तो एक थ्योरी के साथ मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप पूरा ऐसे एज इट इज़ जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आगे हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।